सिटी है ये हमारी सिटी से काफी बड़ी सिटी है और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। सौरभ के इमोशंस बर्बाद। गाइस हम लिफ्ट के बीच में ही फंस गए हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं एक आइलैंड पे जो कि कृष्णा नदी के बीचों बीच है, एक छोटा सा टापू और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके अंदर है, देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सौरभ तो नहाने के बाद बिस्तर में वापस से घुस गया है, मैं ऑलरेडी नहा चुकी हूँ और सौरभ के पापा अभी बाथरूम में हैं। तो मैंने आज थोड़ा सा लुक चेंज किया है, बाल स्ट्रेट किए हैं और ये वाला मैंने आउटफिट डाला है, इसको भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था क्राफ्ट विला से। और ये आज एक चोकर डाला है मैंने, मेकअप ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि मेकअप का लिमिटेड सामान ही मैं कैरी कर पाई, जस्ट फेशियल ऑयल लगाया है और मॉइस्चराइज़र, देन थोड़ा सा प्राइमर एंड बीबी क्रीम, दैट्स इट। लिपस्टिक भी की है, लाइनर लगाया है, छोटी सी बिंदी और सिंदूर जस्ट, और यही कड़े डाल के आई थी और यही पहन के, इसमें मल्टी शेड है तो कई सूट पे चल जाता है। और इस सूट की जो स्लीव्स हैं वो फुल हैं तो मुझे इतनी स्लीव्स काफ़ी पसंद हैं। और रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है तो शाम तक आके शायद हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, तो देखते हैं आइलैंड से कितने बजे हम निकलते हैं तभी पता चलेगा, और तभी चेकआउट करके शायद आज निकल भी जाएं या फिर एक दो मॉल में जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो सिटी है ये हमारी सिटी से काफ़ी बड़ी सिटी है और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, तो कभी जब हमें एयरपोर्ट बाय एयर दिल्ली जाना होता है तो हम यहीं पे आते हैं, तो 3-4 घंटे का सफ़र करके हमें यहाँ आना होता है, फिर एयरपोर्ट जाना होता है तो 4 घंटे मिनिमम तो लगते ही हैं। रूम से निकल रहे हैं और पहले जाएंगे मार्केट क्योंकि सौरभ के शूज़ लेने हैं, वो शूज़ नहीं डाल के आया, इसको न्यू शूज़ चाहिए थे, तो देखते हैं सुबह सुबह मार्केट खुली मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी 9:05 हो गए हैं तो हो सकता है कि मार्केट खुली मिले, मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको स्लीपर में ही जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊँगा स्लीपर में। हम बैठे हैं ऑटो में और पहले मार्केट जा रहे हैं और बाहर का मौसम आज ठंडा है तो धूप नहीं लगी, घूमने में बहुत मज़ा आएगा। फाइनली गाइस हमने सौरभ के शूज़ ले लिए हैं और अभी यहाँ पे आए हैं हम एक रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे हम डोसा खाएंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे आइलैंड पे। सो ये आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, डोसा, चटनी और सौरभ को भूख नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। कल हम गए थे इस मंदिर में और आज हमें और आगे जाना है, रात में पहाड़ वगैरह तो दिखे नहीं थे, इतनी की चढ़ाई थी वो यहाँ से थी और रात में लाइटिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो अंदर चलते हैं, ये है एंट्री पास। और अभी वॉचमैन ने बताया कि बोटिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो बोटिंग तो हो नहीं रही है तो आइलैंड पे कैसे जाएंगे, तो बाहर से ही देखते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। पानी गाइस बहुत ज्यादा है इसलिए बोटिंग वगैरह सब बंद है, तो हमें जाना था उस टापू पे, तो अभी वहाँ तो जा नहीं सकते हैं तो यहीं से थोड़ा बहुत घूम के और कहीं पे जाएंगे, तो सभी बोट बंद है, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, पानी ज़्यादा है तो कैसे अलो कर सकते हैं, रिस्क भी नहीं ले सकते। यहाँ पे कम से कम 20 सीढ़ियाँ थी और सभी डूब चुकी हैं, अभी 3-4 सीढ़ियाँ ही दिख रही हैं। Good।
चेयर पे बैठते हैं थोड़ी देर। धूप है लेकिन इतनी तेज नहीं लग रही। तो ये है वो टापू, यहाँ पे जाना था। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। यहीं पे इतना पानी बढ़ गया है, मतलब 20 सीढ़ियाँ और नीचे हों तो आप देख सकते हो कितनी हाइट तक पानी आ गया है। तो वहाँ टापू में भी पानी घुस गया होगा, इसीलिए सब कुछ बंद किया हुआ है। सौरभ बहुत मायूस हो गया है क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत फन करना था, सारी चीज़ें इसी के टाइप की थी, अभी क्या कर सकते हैं। तो वापस जा रहे हैं और देखते हैं, अभी गूगल पे सर्च करके देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं देखने की। एक हाईलैंड और है वाटर पार्क, तो पूरा दिन उसमें पानी में ही मस्ती होती रहती है। वहाँ तो शायद वहाँ भी बंद होगा आई थिंक कोरोना के चक्कर में, तो और कहीं देखते हैं वहाँ पे जाएंगे। तो सौरभ हाउ डू यू फील नाउ? पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद और क्या क्या बर्बाद, सौरभ के इमोशंस बर्बाद, काफ़ी कुछ बर्बादी हो गई गाइस, क्या करें। हमारे साथ प्रैंक हो गया है, वो भी बिना सोचे समझे, बट काफ़ी दिनों में घर से बाहर निकले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मौसम भी ठीक ठाक था तो सोच रहे थे कि काफ़ी मज़ा आने वाला है, बट अभी क्या करें। तो देखते हैं अभी कहाँ चलते हैं। ये सौरभ ले रहा है नारियल के पानी की चुस्की, कैसा अभी टेस्ट? स्वीट है, देखते हैं कैसा निकलता है। और अभी हमें जाना है इस मॉल में, PVP मॉल। तो पानी पी के तब चलते हैं अंदर। और एक नारियल का प्राइस है 30 रुपीज़। अभी गाइस हमने मॉल में एंट्री कर ली है और एंट्री करते ही एकदम लग्जूरियस फीलिंग आ रही थी। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी एकदम यूनिक थी, चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, फैब्रिक जो भी था उनकी क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस थोड़े से हाई थे बट क्वालिटी सुपर्ब थी। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर वन वर्ड में कहूँ तो यहाँ पे एवरीथिंग था, मतलब आप सारी चीज़ें अगर अपने माइंड में लेके चलो तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा और काफ़ी कुछ शूट किया है। तो आगे मैं आपको अपनी बोरिंग आवाज़ से बोर नहीं करूँगी, तो मैं म्यूज़िक ऐड करूँगी, तो आप देखिएगा कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पे।
गाइस हम लिफ्ट के बीच में ही फंस गए हैं, बीच में स्टॉप हो गई, अभी क्या करेंगे? लाइट ऑफ कर दी भाई, अभी ऑन करेगा शायद। क्या यार आज तो दिन ही खराब है। सुबह से निकले थे इस काम के लिए और क्या क्या हो रहा है हमारे साथ पता नहीं। अभी शायद लाइट ऑफ ऑन करने से कुछ फायदा मिले। नीचे जा रही है, देखो इनके फोन बस नहीं देते। बोल था, पूछ रहा था कहाँ रह गए, वो तो सीढ़ियों से ऊपर आ गया और हम लिफ्ट में स्टक हो गए। अभी रूम पे चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। अभी एक म्यूजियम था, बापू म्यूजियम, वो भी बंद था आज। कुछ आज दशहरा है ना, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें बंद हैं। फ्रेश अप होने के बाद हम जा रहे हैं लंच करने। तो मेकअप वेकअप सारा निकाल दिया है मैंने, लिपस्टिक वगैरह निकाल दिए, तो वापस से सिंपल लुक में आ गए हैं और अभी लंच करते हैं। उसके बाद इवनिंग में है हमारी बस, तो वापिस से बस में ही जाएंगे। बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में। बाहर के नज़ारों का मज़ा लेते हुए, और वैसे तो रूम में भी अवेलेबल है फैसिलिटी खाने पीने की, बट हमें अपनी पसंद का खा के आना है, क्योंकि यहाँ पे साउथ का खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इडली डोसा बस मॉर्निंग में तो चल सकता है, बट दोपहर में तो हमें सीढ़ियों में से चलोगे कहीं फिर से लिफ्ट में ना फंस जाओ। इधर के मारे सीढ़ियों से जा रहे हैं। सच में गाइस एक बार तो हालत खराब हो जाती है जब लिफ्ट बीच में स्टक हो जाती है। सेकंड फ्लोर पे ही है तो दो ही सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। तो देखते हैं अभी किसी पंजाबी ढाबे को ढूंढते हैं, कुछ खाते हैं नॉर्थ टेस्ट का। देखो बाप बेटों का प्यार, लाइटिंग कम है यहाँ पे, छोटी छोटी लाइट लगी हुई है। आए हैं रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट है। जब अंदर घुसे तब तो बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिख ही नहीं रहा था, सब कुछ काला ही काला। अभी थोड़ी देर बैठे हैं तो अच्छा दिख रहा है, बट फिर भी लाइटिंग तो कम है ही। तो अभी ऑर्डर किया है हमने, तो देखते हैं कैसा खाना आता है, टेक्सचर कैसा है, टेस्ट कैसा है, बाद में बताते हैं। हमारा खाना आ गया है और ये है सब्जी, मेथी चमन और नान और सैलेड आ रही है। और ये तो स्टार्ट हो गया है बिना सैलेड के, सैलेड नहीं नैमी क्यों करते हैं। स्मेल तो अच्छी लग रही है, अभी खाने में देखते हैं कैसा है, कैसा टेस्ट है। अच्छा कैसा है मिस्टर, सारे काले काले दिख रहे हो तुम यहाँ पे। तो गाइज रूम पे वापस आ गए हैं और जो खाना पीना था वो काफ़ी टेस्टी था रेस्टोरेंट में, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। जो हम शाम को खा के आए थे 350 में फुल होके आए थे तीनों के तीनों, और अभी 700 में, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। टेस्ट अच्छा था बट क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी। बाकी अभी 15 मिनट रेस्ट कर लिया है और अब बस निकल रहे हैं, बस स्टैंड पर जाएंगे, बस लेंगे वहाँ से और सीधा ओंगोल पहुँच जाएंगे। तो आपको मैं अब बस स्टैंड पे मिलती हूँ, देखते हैं एसी मिलती है नॉन एसी मिलती है। बाहर का मौसम हो गया है ऑसम, बारिश आ सकती है, बारिश आई तो बहुत मज़ा आए। सो गाइस 3.5 घंटे का सफ़र करके हम घर पहुँच गए हैं,
और इन्होंने तो आज ही टीवी ऑन कर लिया, मैच देख रहे हैं। एक पार्सल आया हुआ था, इसको बहुत जल्दी रहती है पार्सल ओपन करने की, और इसका पार्सल है भी नहीं, फिर भी इतना क्यूरियस है। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।